गवर्नमेंट नौकरी पाने का हकदार अब जम्मू कश्मीर में थर्ड जेंडर भी होगा। आप जानते ही हैं कि थर्ड जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अब आने वाला वक्त जो है वो हक और हकूक देगा ट्रांसजेंडर्स को भी। उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, अगर बात करते हैं तो उन्हें समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, अब धीरे धीरे समाज उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहा है और धीरे धीरे जो है चीज़ें भी बदल रही हैं। और चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं, अब आप देखिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई देंगे, पढ़ते हुए दिखाई देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिखाई देंगे, हर वो काम करते हुए दिखाई देंगे जो हमारी सोसाइटी का एक मेंबर करता था, यानी जो काम मेल और फीमेल किया करते थे अब वो आपको काम करते हुए ट्रांसजेंडर भी दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी इस समाज का हिस्सा है और उन्हें ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं, ये उनका कसूर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ट्रांसजेंडर को उनका हक जो है वो मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हक मिलने जो है वो कुछ सालों से शुरू हुए हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव ये है कि अगर अब आप नौकरी के लिए फॉर्म भरने जाएंगे अब आपको वहां पर तीन कैटेगरीज दिखाई देंगी, वो होगी मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, यानी थर्ड जेंडर होगा ट्रांसजेंडर के लिए। उसके अलावा जब आप पढ़ने जाएंगे तब भी आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे फॉर्म पर, वो भी होगा मेल, फीमेल, या तो ट्रांसजेंडर होगा या थर्ड जेंडर होगा। तो अगर थर्ड जेंडर में फॉर्म फिल करने वाला उसे टिक करेगा तो इसका मतलब वो थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है, यानी उनके हक की बात की जा रही है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब आप गवर्नमेंट नौकरीज में देखेंगे कि यहां पर जो है थर्ड जेंडर भी अप्लाई करेगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह हिदायत दे दी गई कि आप अब एक ऐसा ऑप्शन रखिए अपने फॉर्म्स में या जॉब्स की कैटेगरी में कि जो थर्ड जेंडर को दर्शाता हो, जिसे पढ़ने से पता चल जाए कि ये जो कॉलम है, ये जो बॉक्स है, ये थर्ड जेंडर के लिए है। आगे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है डिपार्टमेंट्स को कि आप अपने रूल्स में जो है वो कुछ मॉडिफाई करें ताकि थर्ड जेंडर कैटेगरी वाले भी इसमें फॉल कर सके और आप एक कॉलम या कुछ बना लें जिसमें आप थर्ड जेंडर को भी कैटेगराइज कर सके, क्योंकि थर्ड जेंडर भी जो है वो हिस्सेदार होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, चाहे पढ़ाई की बात हो, लिखाई की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, अगर गवर्नमेंट जॉब से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल में एडमिशन तक जो है थर्ड जेंडर भी पढ़ सकता है। अब मैं आपको आगे जब बताती हूँ तो ये पता चलता है कि जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट ऑफ 2019 ट्रांसजेंडर पर्सन को भी हक दिलवाता है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट खाता है उसमें उनका कितना हक है। 2020 में बिल्कुल एक ऐसा ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, डिपार्टमेंट्स को भी इसी तरह की हिदायत दी गई थी, और उसी तरह से 5 फरवरी 2020 को भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को जो है रूल्स बताए गए 2020 में कि सिविल सर्विसेज में भी अब ट्रांसजेंडर जो है वो शामिल हो सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 क्या बताता है, ट्रांसजेंडर के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप ट्रांसजेंडर को मेडिकल में नहीं कह सकते, आप ट्रांसजेंडर को हॉस्पिटल में नहीं कह सकते कि मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, आप कोई अनफेयर ट्रीट नहीं कर सकते उन्हें। आप उनकी कम्युनिटी को जो है एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट में भी पूरा हिस्सा देंगे, आप उनकी कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट में भी पूरा हिस्सा देंगे, आप उनकी कम्युनिटी को हेल्थ में भी पूरा हिस्सा देंगे, और आप उनकी कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर पब्लिक सर्विसेज तक जो है वो पूरा हिस्सा देंगे। बहुत अच्छी अपडेट है, आज ट्रांसजेंडर को जो है उनका हक मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे अब आप वहां पर कैटेगरी देखेंगे थर्ड जेंडर। एक अच्छी खबर है ट्रांसजेंडर के लिए, पूरे अगर मैं भारत की बात करूं अब ट्रांसजेंडर के हक जो है वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हुए हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर ने भी इनिशिएटिव लिया है कि अब ट्रांसजेंडर भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा होंगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी वो जो है पढ़ पाएंगे, उनके हिस्से भी जो है वो होंगे।